एनडीए की बैठक के बाद वहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी से मुलाकात, फिर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के बाद जब हम एनडीए में शामिल हुए तो वहां से जब हम लोग आए तो ये हुआ कि शिष्टाचार मुलाकात, मिल करके आगे आंदोलन को कैसे चलाया जाए, और हम लोग एक दूसरे जो पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी नेता वोटर हैं, सामंजस्य आपस में कैसे बने, उसको लेकर के कल भूपेन्द्र चौधरी जी से बातचीत हुई। आज सुबह माननीय ब्रजेश पाठक के यहां मैं गया, उनसे भी बातचीत हुई। तो आज उन्होंने कहा कि आज आने का उद्देश्य समझे कि एनडीए में शामिल होने के बाद पहली बार आपसे मिल रहा हूं, इसके पहले जो मुलाकात होती रही वो तो शिष्टाचार मुलाकात थी, तो उनसे भी मिला। फिर उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और उनको सूचना पहले से ही है तो बहुत खुश हैं। उनके कहने पर ही हम लोग गए थे, ऐसा जो बताया भी था आपसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी 13 तारीख को मिलकर ही उन्होंने कहा कि दिल्ली जाके बातचीत करके फाइनल करो, आगे हम लोग मिलकर के लड़ाई को अंजाम दिया जाए। तो वही बात आज भी उन्होंने, बल्कि हमने दोहराया कि हमारे कुछ पत्रकार साथी और कुछ विरोधी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से ट्वीट नहीं आया, तो उन्होंने कहा हम तो आपको खुद भेजे थे वहां, मैं खुद अमित शाह जी आए थे यहां तो 2 तारीख को, मैं खुद उनसे कहा था कि ओम प्रकाश राजभर को लीजिए, नहीं तो हम लोग कई सीटें इधर जो है डिस्टर्ब होंगी, उनको चाहे जैसे लीजिए, अगर कोई कुछ कहता भी है विरोधी विरोध करता उनका तो उनसे कहिए कि आपको पता नहीं उनके विषय में, तो ये बात आपने नहीं बताया। हमके नहीं, हम ये बात तो बोल ही चुके हैं, लोगों का जो कहना है। फिर बात आई कि जो भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का अभी जो 14 जुलाई को जो आदेश हुआ उस पर चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इसमें तो आपने एक पत्र हमको दिया था, आपसे बात भी हुई थी, उसमें बात भी आगे बढ़ी थी, तो जो नया आदेश है उसको संजय प्रसाद को दे दीजिएगा या अवनीश अवस्थी जी को, जिसको आप उचित समझें, लेकिन संजय प्रसाद जी को दे दीजिएगा और हम लोग इसको प्रस्ताव बना करके दिल्ली भेजते हैं। और तीसरा जो लालगंज में, आजमगढ़ जिले के लालगंज लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम को लेकर के हमने एक पत्र उनको दिया है कि ये आपके माध्यम से कार्यक्रम हम लोगों को मिल जाए और आप यहां से रिक्वेस्ट भेज दें और वहां से अनुमति मिल जाए और वहीं से चुनाव का बिगुल हम लोग, लालगंज का ये आजमगढ़ जिले की एक लोकसभा है लालगंज, तो लालगंज लोकसभा में एक स्थान है कृषक इंटर कॉलेज मर्टीनगंज, तो वहां बड़ा मैदान है जहां 2 लाख की कैपेसिटी उस मैदान की, वहीं से क्यों शुरुआत करना चाहते हैं? वहां 6 लोकसभा सीटें पिछली बार 19 के चुनाव में बीजेपी नहीं जीत पाई थी, तो हमने कहा कि वहीं से शुरू करें हम लोग। तो कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव दे दिया आपने, कल तो उसके लिए आपको पता चलेगा कि आपको नहीं, अब वो अब तो मुख्यमंत्री जी उसको अपना वहां भेजें कि भूपेन्द्र चौधरी जी को दे दिया गया है और माननीय जेपी नड्डा जी को भी, यानी कि जल्दी लालगंज लोकसभा जो सीट है वहां से आप चुनाव का बिगुल शुरू करेंगे। सितंबर के लास्ट वीक और अक्टूबर के फर्स्ट सेकेंड वीक में ही कार्यक्रम के लिए हम लोग निवेदन किए, क्योंकि बीच में इधर 2-1.5 महीने बरसात है। और क्या बात हुई? एक तो राजभर वाली बात आपने बताई और वही मिल करके आगे आंदोलन को मिल करके ज्वाइन कार्यक्रम चलाया जाए, उन्होंने कहा कि वहां से आउट सब हो जाता है, सीट आउट फाइनल हो जाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।